लेकिन देखिए ये जो है, ये जो बेसिक जो रूट प्रॉब्लम है, रूट कॉजेस को देखिए, ये जो टेररिज्म के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स है, इसी एक शांति की मानसिकता को हमने, झूठी मानसिकता को अपना वो लेके बनाया हुआ है कि साहब हम तो एक एक्सेप्शनल देश हैं, हम तो पैदा ही नॉन वायलेंस से हुए थे। झूठ, माफ कीजिए, लेट मी बी ब्लंट, झूठ, सफेद झूठ। आप वायलेंस से पैदा हुए हैं, पूछिए कैसे। 60,000 सैनिक भारतीय आजाद हिंद फौज के जापानियों के साथ लड़े इंफाल कोहिमा में, 26,000 उनमें से उन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। और वो लड़ाई, वो बोले कि इधर उधर 19-20 की थी। अगर जापानी फौजें उस वक्त टूट के निकल पड़ती दीमापुर के लिए, भारतवर्ष में अंग्रेज गए थे। 19-20 की लड़ाई थी ये, इतना तक उन्होंने कर दिया। उसके बाद भी वो हार गए, पूरा पीछे हटते गए, वो पूरा बर्मा के थ्रू, जहां आज ये रोंगिया और बौद्धों का हो रहा है। और उनके 60,000 में से 26,000 यानी 46% शहीद हुए। अंग्रेजों की खड़ी की हुई एक भारतीय सेना थी उस वक्त, जिसमें 2.5 मिलियन मैन, 25 लाख लोग थे। पूरे 25 लाख में से 20,000 शहीद हुए द्वितीय महायुद्ध में। आप समझते हैं, मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूं कि आप अंदाज लगाएं कि सैक्रिफाइस किसने किया। 26,000 60,000 में से मारे जाते, हिला के रख दिया अंग्रेजी सरकार, ब्रिटानवी सरकार को उन्होंने छुपा के रखा। ब्रिटानवी सरकार ने सबसे बड़ा सत्य, भयंकर सत्य कि भारत की एक आजाद हिंद फौज बन चुकी, वो लड़ रही है भारत की आजादी के लिए। वो अहिंसावादी नहीं है, वो ही नहीं कहेगी साहब हमने लाठी खाई, हमारी भैंस ने भी लाठी खाई। लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है, अब ये थोड़ी ना कि मैं, मेरी भैंस जाके बैठ जाएगी गद्दी में, ठीक है। लेकिन वो लड़े, वो मरे, वो शहीद हुए। और हालांकि वो हार गए, दे लॉस्ट द बैटल बट दे वन द वॉर। ये समझिए क्यों, क्यों दे वन द वॉर। जब लड़ाई खत्म हो गई, अंग्रेज सोचे हम जीत गए, ट्रायम्फलिज्म, हमने इनको धूल चटा दी, नाको चने चबवा दिए, भारत की जो भी आजादी की बात कर रहे थे, लड़ना चाहते थे, हो गए ना पस्त। तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के 3 अफसर, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, यहां लाल किले में ला के उनका कोर्ट मार्शल शुरू किया। लाल किले में क्यों? क्योंकि इनका नारा था हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। थे लाल किले पे झंडा फहराओगे, तिरंगा, ये तुम्हारा यहां कोर्ट मार्शल होगा। और अब उन्होंने सब दुनिया को बताना शुरू किया कि ये थी आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, युद्धबंदी बन गए, हार गए, पिट गए। पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई। और आक्रोश की लहर तो फैली, तो फैली, वो तो अलग है। भारतीय सेना में म्यूटनी शुरू हो गई। जबलपुर के क्षेत्र में 4 यूनिटों ने म्यूटनी कर दी। इंडियन नेवी के अंदर, रॉयल इंडियन नेवी के अंदर, मुंबई के जहाजों में म्यूटनी शुरू हो गई। ये क्या मतलब? थर्रा गए अंग्रेज। 25 लाख सशस्त्र भारतीय सैनिक डीमोबिलाइज किए जा रहे थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद। कोई 80,000 के करीब यहां अंग्रेज सैनिक थे। बोले साहब अगर 25 लाख भारतीय सैनिक हमारे पे टूट पड़े तो हम क्या 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 इनका रोक, इनको रोक पाएंगे? नहीं रोक पा सकते आप। तो उन्होंने बोला साहब अच्छा है कि हम बड़े ग्रेस के साथ निकल जाएं। और ये किसने कहा है साहब? अंग्रेज प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने, जब 1948 में जब वो आया, कलकत्ता में आया, तो उस वक्त गवर्नर थे चक्रवर्ती, पीबी चक्रवर्ती। उन्होंने उनसे बात करी कि साहब क्विट इंडिया मूवमेंट तो खलास हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उसने बोला सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए कहते कि 25 लाख अगर हिंदुस्तानी फौज में बगावत होती तो हम क्या कर सकते थे, हम थक चुके थे लड़ाई लड़ लड़ के 5 साल। हमने कहा चले जाना ठीक है। तो आजादी कैसे मिली आपको? बिना चक्र बिना ढाल नहीं मिली, माफ कीजिए, सत्य यह है कि कुर्बानियों से मिली, लड़के मिली, कुर्बानियों से मिली, लड़के मिली। उस कुर्बानी की कीमत आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आप आज
आपका देश इस कगार पे है कि या तो वो एक महाशक्ति बनेगा या वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सामंत आपके में यहां बैठे मिलेंगे आपको, हर 24 कदम के पास आप टैक्स पे करेंगे, एंट्री का और पासपोर्ट बनाएंगे अपने। ये हाल आपका अगर कर रहे हैं, आपकी राजनीति की जो दिशा है वो कर रही है, इस दिशा को हमें मोड़ देना होगा, भारतीयता को हमें प्राथमिकता देनी होगी।